अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का अपना व्लॉग इंग्लिश ऊपर स्टार्ट हो चुका है, तो आज जुम्मा भी है, तो सबको जुम्मा मुबारक हो। चलते हैं अंदर और चेक करते हैं। भाई माशाल्लाह सही है, पहले सबसे पंखा लगा लें यहाँ पर। शर्म भाई पंखे का स्विच लग गया बाहर, हाँ पंखा भी चल गया, चार सूच यहाँ लूज कर दें। ओके डन। बाकी पानी की बोतलें लाया था, ये दाना भी साफ किया था, तो ये अच्छी है। बाल्टी साफ दाने की जगह भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगा। इसको पहले बोतलों को यहाँ पर एक करके रख दें। ये मेरे अपने पीने के पानी की बोतल है, गीली हुई। ये ज़्यादा ठंडी है ना, तो इसको पसीना आ जाता है पानी का। खैर ये दाना भी मैं मिक्स करता हूँ, या ले अपने साफ वाले दाने। ये रहा भाई अपना फ्रेश दाना, तो पंखे के नीचे रख के इसको मिक्स करूँगा, ताकि जो बचा गुचा जो भी होगा थोड़ा बहुत भी, वो भी गंद निकल जाएगा। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त करें, और डेली ब्लॉग इनका आप लोग लाते रहेंगे। पूरे दिन का ब्लॉग बाकी पड़ा हुआ, एंड तक देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग ब्लॉग होने आ गया। पानी हो गया 11 बजे तक, आज फारिग हो गया हूँ। पहले तो 11 बजे आता ही था, तो आज फारिग हो गया 11 बजे, इसलिए मैं जल्दी आ गया था। लाइक था आज चांस था जाने का, क्योंकि पेपर हो रहे थे बच्चों 9 मैट्रिक के, तो इस वजह से जान मैं सोच रहा था कि लाइक नहीं जा रही, तो आज भी अभी तक नहीं गई, आगे का पता नहीं जाए नहीं जाए। तो मैं तो फारिग हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अपना दाना पानी करने के बाद इस पेयर के ऊपर मेरी खसूसी नज़र रहेगी, क्योंकि माशाल्लाह ये होगी मेरी क्वालिटी की वर्किंग, जो कि बॉन्ड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पेयर मैंने देख लिया, कल भी देख रहा था, आज भी देखा, बाकी ये पेयर तो बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। इंशाल्लाह पार्बली स्प्लिट इनो इनटू ग्रीन फिशर वाइल्ड, और अल्बाइनो रेडाई का मेल और ग्रीन फिशर वाइल्ड की फीमेल है, तो इंशाल्लाह अच्छी पेयरिंग हो चुकी है मेरी। बाकी इस पेयर को मैं तोड़ दूँगा, ये दोनों मेल हैं, इनमें से ब्लैक आइज स्प्लिट इनो का जो मेल है या अल्बाइनो वाला, उसको मैं ब्लू पेस्टल की फीमेल के साथ लगाऊंगा। ये देखें भाई माशाल्लाह से ये देखिए, बाकी ये बच्चा भी माशाल्लाह से ऊपर आने लग गया, देखने लग गया। देख सकते हैं आप लोग, बहुत वीक था, इससे बहुत ज़्यादा प्लकिंग की थी। इसके पेरेंट्स ने खून चूस के उसके बेचारे का सत्यानाश कर दिया था, तो प्लकिंग मैंने आप लोगों को दिखाई थी पिछले व्लॉग में, देख सकते हैं आप लोग। बाकी ये वाला बच्चा जो अभी भी आने वाली है, हालांकि ये भी इसी पेयर का बच्चा है, तो प्लकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो मैंने ये वाला बच्चा इनके नीचे पोस्टर कर दिया था। नीचे वाला तो अभी तक ठीक हो गया, लेकिन ये अभी तक वैसे का वैसा ही है। बाकी माशाल्लाह सब बर्ड मेरे रेस्ट पर हैं अभी, इंशाल्लाह अगस्त के बिल्कुल लास्ट में, सितंबर के लास्ट में देखूँगा, जब भी मौसम सही होगा तब जाके इनके बॉक्सेस लगेंगे। बॉक्सेस में दिखा दूँगा आप लोगों को, वो सामने पड़े हैं, ये देखें भाई, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉक्सेस ये पड़े हैं, ठीक है, एक नीचे गया हुआ बॉक्स। बाकी माशाल्लाह सब परिंदे मेरे ठीक ठाक हैं, और दाना पानी अल्हम्दुलिल्लाह सबका हो चुका है। एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को, देख सकते हैं भाई माशाल्लाह। और ये वाला जो अल्बाइनो ब्लैक आई का ये बच्चा जो है, ये मेल मुझे लग रहा है, बाकी माशाल्लाह पंजा अपने नीचे रखने लग गया। अगर ये मेल ही बनता है तो इसके लिए इसका पाँव 100% ठीक होना चाहिए, वरना तो ये ब्रीड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेल है तो सही से क्रॉस नहीं कर सकेगा ये, तो इसके लिए तो ज़रूरी है कि ये ठीक हो। बाकी जितने भी अल्बाइनोज है ना मेरे पास, ये ब्लैक आइज जितने भी हैं, सारे स्प्लिट इनो हैं, तो ये तो 100% स्प्लिट इनोज हैं, जितने भी ब्लैक आइज हैं, तो रेड आइज तो विजुअली रेड आई है। बाकी माशाल्लाह ये अपना घोटिया, हाँ घोटिया फ्लेश होने फिर भी अभी बन गया फ्लेश में माशाल्लाह से। ये दोनों जो हैं मेरे पुराने और वफादार साथी हैं ये मेरे माशाल्लाह से, तो यार नीचे रखने की जगह नहीं है, इस वजह से मैं जो है इनसे नहीं रख पा रहा हूँ बेचारों को, और बाकी तो और कोई मसला नहीं है। आए अभी आप लोगों को कॉलोनी का मैं दिखा दूँ, ये गेट भी अभी पूरा निकल गया था, ऊपर से नट जो है ना, ये देखें ये वाला जो नट है ना ये निकल जाता है, तो ये जो बड़ा मसला करता है, फिर इसको दोबारा लगाना पड़ता है। अभी मैंने दोबारा लगाया, पूरा गेट मेरे हाथ में आ गया था माशाल्लाह से। कॉलोनी की तरफ आप लोगों को दिखाता हूँ, ये फीमेल है, सबसे बेस्ट रिजल्ट इसने दिया है मेरे पास कॉलोनी में माशाल्लाह, क्योंकि फीडिंग में इसने जो है नंबर वन कारीगरी की है। ये इसके साथ बच्चा भी बैठा हुआ, अभी तक ये अपने बच्चों की हिफाजत कर रही है कॉलोनी में भी, क्योंकि बच्चे जो आगे पीछे जाते उड़ते हैं उनके साथ ही ये भी जाती है उड़ती है, तो उनकी हिफाजत कर,
वो दोनों बच्चे बैठ गए। अल्लाह कौन सा रात में कथा आ गया तो एक ने साथ बैठी तो याद में जो भी लिखा होता है उसका जो हर कहा बच्चा दिखाते हैं आप लोगों को। हो गई आज आप मैं बोल रहा था एक दिन और इन प्याजों को लगेगा तो ये भी फिर नीचे चले जाएंगे, इसकी जगह नए प्याज डल जाएंगे वो भी सूखने के लिए। बाकी ये कुछ साफ की थी मुर्गियों की पोटी वगैरह तो ये मैंने तसले में डाली है तो ये भी ये नीचे ले जाता हूँ। तो ओके बस इंशाल्लाह अभी आता हूँ जुम्मे की नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ, अभी तो है काफ़ी टाइम तो चलते हैं भाई। अब नीचे जुम्मे की नमाज़ की तैयारी भी सुकून से हो जाएगी, 2 घंटे हैं अलहम्दुलिल्लाह आराम सुकून से जुम्मे की नमाज़ की तैयारी हो जाएगी। फिर दोपहर का खाना वाना खा फिर आते हैं दोबारा मिल ऊपर विजिट करेंगे। बाकी मुर्गियों को तो मैं पानी और दाना के रखता हूँ ताकि वो अगर उठें तो खुद दाना पानी अपना खा लें इंशाल्लाह। फिर शाम को खोल देते हैं वो फिर फ्रेश हो जाती हैं, थोड़ा घूम फिर लेती हैं और खाना वगैरह भी कर लेती हैं तो फारिग हो जाती हैं अलहम्दुलिल्लाह। तो पानी वगैरह इनके पास मैं रख ही देता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है ताकि इनको कोई परेशानी ना हो। आए भाई बच्चा चेक करें सुबह एक बार फिर शाम में चेक कर लेंगे, ये चेक करना ज़रूरी होता है भाई। ये रहा माशाल्लाह ठीक अलहम्दुलिल्लाह। मोबाइल जब वीडियो बनाता हूँ मैं भी कर रहा हूँ कैमरा तो आप लोग भी तकरीबन 10 मिनट भाई को लॉगिंग करते हुए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब मस्ट कर दोस्त आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। जाहिर सी बात है भाई आप लोगों लोग मेरे सिखाएंगे कुछ हम भी सीखेंगे साथ आप लोग भी सीखेंगे अपना शौक में मुतारिफ करवाएंगे आप लोगों के साथ। तो नीचे अपने मिनी के साथ काम तो हो चुका है तो नीचे चलते हैं थोड़ा बाकी खाने लग सकते हैं आप लोग सब आ गए अपने अपने दाना वाना खाने के लिए गोल गोल डोल रहे अभी चलते हैं नीचे इंशाल्लाह शाम पाएंगे फिर लास्ट विजिट पर एंड तक बने रहे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त कर। जी तो गाइस फाइनल विजिट पर आया हुआ था अपने मेज ऊपर आकर मैंने अंदर वाली मुर्गी खोल दी आंधी तूफान को भी खोल दिया वो भी बाहर चले गई है तो मैं अपना फ़ैन लगा लूँ भाई फ़ैन ऑन कर लूँ। चलो भाई स्विच लग गया फ़ैन का अभी आराम से कहीं इधर बैठते हैं और भाई माशाल्लाह ये रही अपनी आंधी तूफान उसको पानी रख दूँ मैं ताकि इधर अपना पानी पी लें फर्स्टली उसको पानी रख दिया भाई देख सकते हैं आप लोग अपना पानी पी लिए। बाकी माशाल्लाह इधर देखें भाई असल सीन तो इधर चालू हुआ है ये देखें भाई माशाल्लाह अंदाज देखें यार इसका माशाल्लाह एंजॉय करने वाली फीलिंग में कसम से ये मोमेंट जो है ना माशाल्लाह एक तो इनकी ब्यूटी और एक अंदाज इनका देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरीके से जो है फीमेल को जो इम्प्रेस करते हैं ये माशाल्लाह इससे खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह से देखें ये देखें ये देखें पूरा जैसे लेट जा रहे माशाल्लाह ये देखें ये देखें लेकिन जो फीमेल है वो भाव ही नहीं दे रही इससे मासी जो है बहुत तेज़ और ये नीचे कांदा की जो फीमेल मिट्टू के बड़े वाले की उसकी मेंटल के साथ लगाई है वो तो कुकू कुकू करती रहती है। बाकी माशाल्लाह ये वाला जो है बच्चा जो है पाँव भी अपने इसने लकड़ी को रखना स्टार्ट कर दिए तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये इंशाल्लाह सही हो जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर भी पैर जो है आपस में लगे हैं फीड वगैरह कर रहे हैं स्केचिंग वगैरह कर रहे हैं। बाकी माशाल्लाह ये पक्षे ठीक ठाक है अलहम्दुलिल्लाह और गुड ये अंदर कर दूँ तार लाता हूँ मैं ना इंशाल्लाह तारे भी इसको बांधता हूँ इस तरह से ये जैसे ये बांधी है ये जैसा से ये तार इस तरह बांध दिया ना कि ट्रेन निकल नहीं सकती तो इसी तरह तमाम पिंजरों पर ला कर तारे इंशाल्लाह बांध देंगे। बाकी माशाल्लाह बहुत सारे परिंदे मेरे हेल्थ एक्टिव हैं
सब ठीक ठाक है। यहाँ पर बजरी इसको देखें भाई, माशाल्लाह ये भी जो है फीड करा रहे हैं, मेरा ख्याल चल रहा है भाई। लेकिन अभी तो सीज़न कोई नहीं है इनका, तो सीज़न किसी का भी नहीं है, तो मटकी या बॉक्स किसी तरह की कोई चीज़ किसी को भी नहीं लगानी फ़िलहाल तो अभी। तो बाकी अभी ये मुर्गियाँ यहाँ पर बंद करके इंशाल्लाह अभी नीचे चले जाऊँगा, तब तक के लिए मैं काम करता हूँ, पहले मुर्गियों को खिला पिला लें उसके बाद करता हूँ भाई। जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को, इंशाल्लाह आज की वीडियो में दिखाएंगे कि मीनों का बच्चा, तो ये रहा भाई, कैमरा थोड़ा क्लियर कर लूँ, वो बैठा होगा अंदर, दिख गया होगा आप लोगों को यकीन है भाई। माशाल्लाह ठीक ठाक है, और यहाँ प्याज सूख गए सारे, दोनों ने फोल्ड कर लिया। बाकी मुर्गे को भी पानी डाल दिया, मुर्गियों को भी सब बंद कर दिया, अभी मैं हो गया फायरिंग। ऑल गुड ऑल राइट, अभी इतना ब्लॉग ग्यारह एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट करें। कल तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अगर लोग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना पसंद आएगा।